छीनना चाहती है आलिया जूनियर एनटीआर के फैंस? कौन है रामचरण का जबरा फैन? क्या है फिल्म का पेटीएम कंपनी से वास्ता? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राथ स्टूडियोज में। पूरे साउथ इंडिया को फैन बनाने के बाद जूनियर एनटीआर अपनी अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म ट्रिपल आर के साथ देश की धड़कन बनने के लिए तैयार है। जूनियर एनटीआर की मौजूदगी में सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि दूसरे सेलेब्स भी खुश होते हैं। यहाँ तक कि उनकी ट्रिपल आर को एक्ट्रेस आलिया भट्ट का मानना है कि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद जूनियर एनटीआर अभी भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान आलिया भट्ट ने ये भी शेयर किया कि वो जूनियर एनटीआर के ऑनेस्ट और डेडिकेटेड फैंस की कामना करती है। उन्होंने शेयर किया, कृपया मुझे अपने फैंस दे दें क्योंकि उनके फैंस इतने वफादार और समर्पित हैं। जूनियर एनटीआर के साथ एक और प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाने पर एक्ट्रेस ने कहा, मैं उनके साथ एक और फिल्म करना पसंद करूंगी। मुझे लगता है कि वो इतने प्रतिभाशाली, इतने शानदार और इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अब तक जो काम किया है मुझे वो बहुत पसंद है। आलिया भट्ट और जूनियर एनटीआर को अपने पहले प्रोजेक्ट के प्रमोशन के दौरान एक साथ शानदार तालमेल शेयर करते देखा गया। फैंस इन दोनों को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन एक साथ देखना पसंद करते हैं। दोनों सितारे एसएस राजा मौली की मैग्नम ओपस ट्रिपल आर में स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे, जहां जूनियर एनटीआर स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम का किरदार निभाते नजर आएंगे, वहीं आलिया भट्ट सीता की भूमिका निभाएंगी। डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म की कहानी केवी विजेंद्र प्रसाद की कहानी से प्रेरित है। ट्रिपल आर 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस थिएट्रिकल नाटक को देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं। जहां आलिया जूनियर एनटीआर की फैन बनी हुई है, तो दूसरी ओर उनके गली बॉय को स्टार रणवीर सिंह भी साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर की खूब तारीफ की है। रणवीर के फेवरेट एक्टर कोई और नहीं बल्कि ट्रिपल आर के दूसरे मेन लीड कैरेक्टर रामचरण। वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मगधीरा के समय से वो रामचरण की एक्टिंग के दीवाने। वहीं इससे पहले मीडिया की बातचीत के दौरान ट्रिपल आर के निर्माता डीवीवी दानैया ने खुलासा किया था कि वो फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए तक है। ये वास्तव में ट्रिपल आर के लिए एक बड़ी राशि है जो 1920 के दशक में स्वतंत्रता पूर्व युग में सेट की गई है और एसएस राजा मौली द्वारा डायरेक्टेड है। यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और मेगा पावर स्टार रामचरण अभिनीत अपकमिंग एंटीसिपेटेड फिल्म ट्रिपल आर बाहुबली सीरीज की भारी सफलता के बाद एसएस राजा मौली की पहली फिल्म होगी। वहीं एक बार फिर ट्रिपल आर की टीम ने प्रमोटिंग इवेंट्स शुरू कर दिए हैं। ये नोन है कि ट्रिपल आर के निर्माताओं ने प्रचार के लिए कई ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया है और पेटीएम उनमें से एक है। पेटीएम ने जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टारर आरआरआर की ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर होने के नाते एक विशेष प्रोमो जारी किया, जिसमें